आप देख रहे हैं TTI न्यूज, योर ऑन नेटवर्क। देश दुनिया की खास खबरें, इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के आगरा की खबर। आगरा के पिनाहट क्षेत्र के गांव नया बांस के तालाब में एक बस पलट गई। तालाब का पानी सड़क तक भरा होने के कारण ये बस पलटी और आनन फानन में ग्रामीणों ने बस में सवार स्कूली बच्चों को रेस्क्यू किया। ग्रामीणों की सजगता के चलते एक बड़ा हादसा टल गया है। क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। कई बार शिकायत करने के बावजूद समस्या का निदान नहीं हो रहा है। विकास कार्य न होने के कारण जनप्रतिनिधियों को कोस रहे हैं क्षेत्रीय ग्रामीण। ग्रामीणों का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो निकला है। देखो भाई, 200 करोड़ का विकास। हाँ भाई, क्या हो गया यहाँ? अरे बहुत बड़ा हादसा होने से बचा है, बस पूरी पलट गई। अच्छा, बच्चे बाल बाल बचे। ये यहाँ पानी कब से भरा है? चार साल हो गए। यहाँ विधायक नहीं आते कभी? आते हैं, सुनते नहीं भैया। अपने वोटन के लिए आते हैं, वोट उनके पूर्ति हो जाती है, हंस के चले जाते हैं। ये पूरा गांव का पानी है, एकत्र रोड पे ही है। कोई विकास की कोई बात नहीं हो रही है? कश्मीर सोच रहा है, प्रधान आता है वो हंस के चला जाता है। ये कहता है हम बार बार करवा दें भैया, करवा दें करवा दें। अगर ये हादसा हो जाता फिर ये कहाँ से लाते? ये बच्चों को कहाँ से लाते? उनको तो खुशी होती है हादसा हो जाए, वो तो खुशी चाह रहा है ना। खुशी चाह रहा है बिल्कुल भैया। देख लो, 295 करोड़ का विकास हो गया। ये मोड़ नहीं मोड़ने के, ये क्या टिप्पण दे दो भाई। अरे लो रंगे में टिप्पण ना करे को। अरे दे दे दे, अरे दे 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 दे। मेरे प्रिय सुनील भाई और रिंकू भाई ने